अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह करे सबको सेहत से नवाजे, जो बीमार हैं शिफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम डायमंड्स कुकिंग में ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आए हैं। ये है मामूपुरी, जो बोलते हैं खोए की जो पूरी आती है गुलबर्गा में, जो मिलती वो पूरी है। ये आज अपन घर पर ही बनाएंगे वो पूरी। सबसे पहले मैं 2 कटोरी मैदा ले लिया, आप अपने हिसाब से 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं डालूंगी इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक, चाय के चमचे से 1/2 चम्मच डाली मैं नमक, 1/2 चम्मच सोडा, 4 चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी बन के रेडी है। तो ये खोआ पूरी आसानी से घर पे ही रेडी कर सकते हैं आप। खोआ पूरी बाज़ार से मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है अपने को। चलिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसमें 1/2 कटोरी घी है, ये घी को मैं अच्छी तरह से पूरा पिघला ली, मैं पिघला के घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप पिघलाए नहीं तो घी लुंडे लुंडे बनते इसके, इस वजह से पूरा पिघला के डालना घी, कभी भी याद रखिए। चलिए इसको हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितना अच्छा मिक्स करेंगे आप, अच्छे बन के रेडी होते पूरियाँ। आटा अच्छा भिगना, असल आटे में रहता, देखिए कमाल। देखिए कितना अच्छा भीगा पूरा आटा। चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपन आटे जैसा गूंथते अपन वैसा गूंथ लेंगे। चलिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया घी नमक सोडा मैदे में, देखिए कितना अच्छा है। चलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें, आटा जैसा अपन भिगाते वैसा, और घट रहना ये, ज़्यादा पतला नहीं रहना। अच्छी तरह से गुने गया, देख सकते हैं कितना अच्छा नरम हुआ, देखिए देखिए कितना अच्छा गुने गया। चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 5 से 10 मिनट्स तक इसको रेस्ट के लिए रखेंगे, उसके जब तक अपन नेक्स्ट इसका अपन खोआ बना लेंगे। चलिए चलिए सबसे पहले फ्राई पैन रख ली मैं, फ्राई पैन में अपन खोआ डाल देंगे। गैस ऑन कर ली, तकरीबन ये 1/2 किलो खोआ है। चलिए तकरीबन ये 1/2 किलो खोआ है, खोए को अच्छी तरह से पका लेंगे अपन। इसमें शक्कर डाल देंगे, शक्कर ऐड करेंगे खोए में, 3 से 4 चमचे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं 3 चमचे डाल रही हूँ इसमें शक्कर। चलिए अब इसको अच्छे तरह से पका देंगे। नेक्स्ट इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच पाउडर डालिए, क्योंकि साबित डाले तो पूरा मुँह में आता, इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा दिखता। अच्छी तरह से ज़रा कलर चेंज होए तक पका लेंगे इसको। अच्छा कलर पूरा चेंज हो जाना इसका। चलिए देखिए लाइट लाइट कलर पूरा चेंज हो रहा है इसका। अच्छा घट बजे तक पका देंगे इसको। चलिए अपना खोआ रेडी हो गया, देख सकते हैं कितना अच्छा पक के रेडी हो गया, ठंडा होके घट हो जाता है ये। गैस ऑफ कर दी मैं। चलिए इसको ठंडे के लिए रखेंगे। नेक्स्ट अपन शेरा बना लेंगे, खोआ पूरी का शेरा बना लेंगे। चलिए इसको साइड में रख लेंगे अपन ठंडा होने के लिए, शेरा बना लेंगे।
चलिए सबसे पहले एक कप शक्कर ऐड कर रही हूँ इसमें शीरे के लिए। पानी है आधा कप। चलिए इसमें भी इलायची पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच। थोड़ा सर का लाइट कलर डाल रही हूँ मैं, ऑप्शन है, अगर स्किप भी कर सकते हैं, आपको कलर नहीं पसंद है तो। मैं कलर अच्छा आता है इस वास्ते थोड़ा सर का लाइट कलर डाली मैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शीरे को अच्छा पकने देंगे अपन, पूरे शक्कर भी मेल्ट हो जाना और शीरा में ज़रा गाढ़ापन आना, उतना पकेंगे। चलिए देख सकते हैं शीरा अच्छी तरह से पक चुका है, अच्छा गाढ़ा हो गया शीरा। चलिए गैस ऑफ कर देंगे, इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए नेक्स्ट अपन पूरियाँ बना लेंगे। चलिए देख सकते हैं शीरा अच्छी तरह से बन गया, मैं इसको एक बॉल में निकाल ली, शीरे को साइड में रख लेंगे। चलिए आटा अच्छी तरह से पक गया देख सकते हैं। चलिए इसको भून लेंगे, नीचे पत्थर पे ही गुनेंगे, जितना अच्छा गुने जाएंगा उतना अच्छे अपने पूरियाँ बन के रेडी होते, गुनना अच्छा इसको। चलिए अच्छी तरह से गुने गया आटा। चलिए इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे बनेंगे पेड़े। ऐसे ही पूरे पेड़े बना लेंगे। चलिए अच्छी तरह से पेड़े बना ली। चलिए इसको बेल लेंगे अपन। चलिए देख सब अच्छी तरह से पेड़ा हो गया, इसको अच्छा ऐसा दबा लेंगे पेड़े को, बगैर अपन खुश्की के बेलेंगे इसको। ज़्यादा मोटी भी नहीं रहना ये, ज़्यादा पतली भी नहीं रहना, क्योंकि डबल करना है अपने को, इस वास्ते मीडियम साइज की रहना ये। देखिए ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है, ऐसे बेल लेंगे, ऐसे दूसरे भी बेल लेंगे अच्छी तरह से। चलिए देख सकते हैं ऐसे पूरे बेल लेंगे। चलिए माशाल्लाह से सभी रोटियां बनके रेडी हो गए अपने। चलिए अब इसको अपन खोवा डाल के भरेंगे। चलिए अच्छी तरह से खोवा डाल लिए, साइडों से पूरा पानी लगा लेंगे ताकि दूसरी रोटी भी इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपके जैसा, अच्छा ऐसा चिपकाएंगे साइडों से पूरा। इसको भी ऐसा चपटा कर लेंगे जरा, ऐसा हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से। अच्छा राउंड राउंड देंगे, ऐसे ही फोल्ड करेंगे, देखिए कितना आसानी से कर रही मैं, इजी है बहुत। पूरे बाजार जैसे दिख रहे ना, अच्छी तरह से चिपकेंगे देख सकते हैं। माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनके रेडी हुई खोआ पूरी अपनी। चलिए नेक्स्ट भी बताऊंगी, एक रोटी रख लेंगे। खोआ अच्छा ठंडा हो गया देखिए, कितना अच्छा निकल जा रहा, देखिए कितना अच्छी तरह से घट हो गया देखिए खोआ। इसको ऐसा करेंगे, इसके ऊपर दूसरी रोटी, पहले पानी लगा लेंगे साइडों से पूरा अच्छी तरह से, ऐसा करेंगे हाथ से ही मोड़ेंगे, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं मोड़ना, नहीं तो कच्चे रहते तले वक्त। देखिए कितना आसानी से फोल्ड कर रही मैं, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ये भी बनके रेडी हो गए। चलिए ऐसे ही पूरे बना लेंगे अपन पूरियाँ। चलिए माशाल्लाह पूरे पूरियाँ बनके रेडी है, चलिए इसको फ्राई करेंगे।
फ्राई करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई रख ली मैं। कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे अपन। तेल को गर्म होने देंगे। चलिए तेल अच्छा गर्म हो गया, और तेल को ज़्यादा नहीं गर्म करना है अपने को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ताकि पूरी अच्छी तरह से अंदर तक तले जाना है पूरी, क्योंकि ये डबल पूरी रहती ना, मोटी रहती, इसको इस वजह से मीडियम आंच पर तलना रहता है इसको। खुद बहुत ऊपर आती पूरी है, और मीडियम आंच पे फ्राई करना है इसको, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना। देखिए आहिस्तगी से खुद बहुत ऊपर आ गई, देखिए पूरी आहिस्तगी से आ रही। देखिए चलिए एक साइड पक गई अपन, पर अच्छे तरह से पलटा ली मैं पूरी को। देखिए कितना अच्छा कलर आया माशाल्लाह से, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो रहा है। अपन बहुत स्लो आंच पे तल रही मैं, ताकि पूरा अच्छी तरह से अंदर तक पक गए जैसा। चलिए अच्छी तरह से तले गई पूरी, निकाल लेंगे। तेल अच्छा निकालना है इसका, ज़रा भी तेल नहीं रहना, तेल बहुत अच्छा निकालना है इसका। चलिए नेक्स्ट ऐसे ही डाल देंगे इसमें क्या है माने रहे हैं। इसको ये मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। दो दो दाल के तलेंगे अपन। चलिए देख सकते हैं ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए, इसको निकाल लेंगे अपन। तेल अच्छा निकालना। चलिए माशाल्लाह से पूरी पूरियां बन के रेडी हो गए अपने। एक एक करके अपन शीरे में डिप करेंगे इसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक दो मिनट के लिए ऐसे ही शीरे में रखेंगे इसको, ताकि पूरा शीरा अच्छी तरह से अंदर तक जब्स हो जाना पूरा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, निकाल लेंगे उसको। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त अपने खोआ पूरी बन के रेडी हो गई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलिए ऐसी ही पूरियाँ डिप करेंगे इसमें शीरे में पूरे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सभी अच्छी तरह से बन के रेडी हो गए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोलिए कैसे बने अपने खोवा पूरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सेम पूरे बाजार जैसे दिख रहे, देख सकते हैं इतने अच्छे बन के रेडी हुए हैं। चलिए माशाल्लाह से अच्छे तरह से अपनी रेसिपी बन के रेडी हो गई। स्पीड तोड़ के बताती हूँ मैं। चलिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, प्रशीरा है उफो, बिस्मिल्लाह। आप ठंडे में पर तोड़िए, बहुत गर्म है, देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा बन के रेडी हुआ। शीरेदार गरम गरम में बहुत अच्छे मज़े के दिखते थे, एक खा के बताऊंगी मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खोआ बाहर का टेस्ट है, बहुत अच्छे बन के रेडी हुए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। जब तक कि अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट डे रेसिपी लेके आऊँगी। तो याद रखिए, शब्बा खैर।